दो मशीनें दोस्तों, एक 18 किलो वाली और ये 22 किलो वाली, 21 किलो वाली है। मैं कम से कम एक घंटा परेशान हो गया था खाली दो तीन बोल्ट खोलने के लिए, पर मुझे कुछ नया सीखने को मिला, इसकी वजह से ये वीडियो मैंने तुरंत बना दिया है। और आपको पता है मैं कुछ आपके सिखाने के लिए कुछ नया नया लाता हूँ। कम से कम एक घंटा मशीन चलाता दोस्तों इतना ज़बरदस्त प्रेशर है हमारा, पूछो मत। 1000 पाउंड का टैंक है, 5 HP का हेड है। हाँ, हम ट्रक के टायर में 200 पॉइंट हवा भर देते, वो भी बिना जाग लगाए 5-6 मिनट में हवा भर देते, इतना बड़ा कंप्रेसर है हमारे पास। तो भी कम से कम हम 1 घंटे परेशान हो गए थे, बोल्टे नहीं खुलते थे। सोचो हमारे पास 18 किलो वाली है, तो इससे क्या होता है, किसी बंदे के पास 20-22 किलो की मशीन आती है तो फिट कर देता है, तो किसी बंदे के पास 18 किलो वाली थी, 15 किलो वाली, तो उससे बोल्ट खुलते नहीं कभी कभी। और एक ही बोल्ट पे अगर बार बार, जैसे समझ लो अपन बोल्ट फिट कर रहे और बोल्ट फिट करते समय समझो पूरे बोल्ट फिट हो, अपने को थोड़ा डाउट है, उसके ऊपर भी मशीन लगा देते तो वो बोल्ट खुलने की थोड़ी दिक्कत आ जाती है, वो खुलता नहीं। हमने पानी डाल, वो तो पूरे 10 से बोल्टों को टाइम लगा ही था, पर वो 8 या 7 बोल्ट तुरंत खुल गए, पर वो जो 3 बोल्ट थे वो बिल्कुल खुल ही नहीं रहे थे। इतने परेशान हो गए तो पूछो मत, गाड़ी वाला भी पागल हो गया यार, ये क्या हो रहा है। तो मेरे पास एक दूसरा एक्स्ट्रा मशीन है, वो मशीन भी देता हूँ मैं, तो उसको मैंने निकाला। देखो पानी डाल डाल के परेशान हो गए। और दोस्तों पानी डालने से कभी कभी क्या होता है, आपसे मशीन से बोल्ट नहीं खुले, आप ये ध्यान में रखो। और ये वीडियो पूरा ही देखिए, आपको समझ में आएगा। अभी देख सकते हैं मैंने एक और 21 किलो वाला मशीन निकाला, इससे तो खुलना चाहिए। पर ये वीडियो पूरा देखिए, आपको बाद में समझ में आएगा, और नहीं समझा तो मैं बता दूंगा। पर ये वीडियो एंड तक देखिए, और मेरी कोई भी वीडियो दोस्तों पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, यानी आपको कुछ न कुछ मालूम होगी, समझ में आएगा। आप वीडियो को किप मत कीजिए, वीडियो को आगे मत डालिए। मेरे पास शूटिंग वाला नहीं कोई था, तो मैंने उसको वो ग्रीस पंप पे रख दिया था। पहली बार टामी से भी कोशिश की थी, उस भाई ने बोला हम टामी से यूज़ करते, मैंने बोला भाई जब 20 किलो वाली 21 किलो मशीन से नहीं खुल रहा, पर क्या ड्राइवर भाई की बात भी मानना पड़ता है, पर ड्राइवर को ऐसा लगता है यार ये हमारी बात है, मुझसे चल तू भी कोशिश कर ले भाई। कभी कभी इससे भी हो जाता है दोस्तों, जिसका ड्राइवर जैसा दबाता है उस टाइम पे अपना जो हथौड़ा है उस जगह पे मारिए तो खुल भी सकता है, कभी कभी खुल जाता है, ऐसा होता है। काफ़ी थक गया था ये भाई भी, ये लातूर का कई का था ये भाई। काफ़ी दिन हो गए, मैंने वीडियो काइन मास्टर में रखा था, मैं आज चलो ये वीडियो एडिट करके डाल दो। यानी ये क्या होता है दोस्तों पता है, ये मशीन ऑयल डालता था, दोनों में कोशिश कर रहा था किससे खुलता है, इससे भी नहीं खुला। आपको पता है ये क्यों नहीं इससे खुल रहा है, क्योंकि इसमें मेल फीमेल लगाया हुआ है वो जो पीले कलर वाले में, और ये जो 18 किलो अभी खोल रहा हूँ इसमें डायरेक्ट है, अभी देखो ये खोल रहा हूँ, क्योंकि ये 18 किलो वाली हो गई, ये 18 किलो वाली हो गई तो दिक्कत होती थी खोलने में। पर मेरी बात में मैं खोल के मैं समझ में नहीं आ रहा था ये बोल्ट क्यों नहीं खुल रहा, तो एकदम मेरे दिमाग की बत्ती खुल, यानी दिमाग खुल गया यार। मैं थक गया था यार, चाय पीने गया तो उसके बाद थोड़ा चाय वाय पिया उसके बाद। और एक ध्यान में रखो दोस्तों, कोई चीज़ अगर परेशान होती है ना उसे छोड़ दीजिए 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद कोशिश कीजिए तो अपने को उसका पता चल जाता। तो ये क्यों नहीं खुलता था, ये देखिए ये मेल फीमेल है, इससे क्या होता है हवा कम होती है। और पहली बार तो दोस्तों देखो ये अपना 8 mm का पाइप आता, देखो कम से कम 99% लोगों के पास 8 mm ही का पाइप लगाते हैं, इसमें कंपनी पता है क्या 12 mm पाइप लगाने का बोलते हैं। तो 12 mm पाइप जितनी हवा हो तो उतना मशीन ज़्यादा वो खोलने की ताकत करता है।
तो इसमें मैंने मेल फीमेल लगाया था, तो क्योंकि मेरा वो कनेक्शन इसमें नहीं लगाया ना, मैंने क्या किया, मेरे पास वो जो मशीन ग्रीस मारने का वो सब सिस्टम है, तो मैंने सोचा वो लगा दिए। इसमें ऑयल डाल दिया मैंने, और दोस्तों अच्छी क्वालिटी का ऑयल डालिए, जैसे कैस्ट्रोल हो गया, सर्वो हो गया, जो लाल आता जो 100 रुपये लीटर वाला, वो ऑयल बिल्कुल ना डाले। उससे क्या होता है, अंदर मशीन में ना एकदम ऐसा जैसा गाढ़ा हो जाता है, जो उसके अंदर के स्पेयर पार्ट है ना वो ऑयल पकड़ लेता है। ऑयल अच्छी क्वालिटी का ही डाली, देखो खुल गया, देख सकते हो बोल्ट तो खुला, 3 बोल्ट थे तो एक तो खुल गया, जैसे मैंने मेल फीमेल निकाल लिया उसका और डायरेक्ट लगा दिया। जब भी कोई भी बंदा मशीन लाता है मेल फीमेल ना लगवाए, ये मेरी क्या आपसे मिली है यार, आपको लगता होगा तो भाई खुल जाता है। अभी की बात है यार, अभी मैं 1-1.5 महीना हो गया होगा, मैं यार गांव का नाम तो मैं भूल गया हूँ, वनर खाकुरी कहते, बिल्कुल कॉर्नर पर दुकान थे, उस भाई के पास भी वैसा ही था। मैंने उसको बोला था भाई ये निकाल लो, बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल चल रहा है। कभी क्या होता है खुल जाते, कभी कभी 25-25 हाँ। और ये खुलने के कारण आपको बताएं, जो कंपनी आती है ना, जैसे टाटा महिंद्रा अशोक लेलैंड, ये जो कंपनी, ये कंपनी में सर्विसिंग के लिए जाती है ना, तो उनके पास हाई क्वालिटी के बढ़िया क्वालिटी के मशीन आता है। उनके पास तो कोई चाइना वैसे मशीन आता ही नहीं ना? उनके पास बिल्कुल जापान हो गया, अमेरिका जैसे अच्छी क्वालिटी का ही मशीन आता है। तो देखो समझ लो, ये 15,000 का मशीन का 50,000 का मशीन, तो आप ही सोच सकते 15,000 में और 50,000 में कितना फ़र्क है, 15,000 वाले में और 50,000 में तो फ़र्क ही होगा ना। तो इसकी वजह से वो बोल्ट नहीं खुल रहे थे, क्योंकि वो गाड़ी कंपनी से शोरूम से सर्विस करके आई थी। और एक ध्यान में रखिए, कंपनी के बोल्ट नहीं खुलते हैं कभी कभी, तो ये बात का ध्यान रखिए, ये मेल फीमेल ना लगवाइए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय महाराज।